गाइस 2022 का चौथा मंथ यानी कि अप्रैल का मंथ खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह चुके हैं और शुरू होगा मई का मंथ। ऐसे में काफी सारे लोग एक्साइटेड होते हैं आने वाले मंथ में हमें कौन कौन से नए स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। लिटरली कुछ स्मार्टफोन तो ऐसे हैं जो अप्रैल के बिल्कुल एंड में लॉन्च होंगे लेकिन उसकी फर्स्ट सेल मई के स्टार्टिंग में होगी, तो वो कौन से स्मार्टफोन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन मई 2022। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपका एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन यानी कि पुराना स्मार्टफोन ठीक तरीके से चलता है तो आपको नया स्मार्टफोन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फालतू में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अगर आपको वाकई में जरूरत है एक नए स्मार्टफोन की तभी आप एक नया स्मार्टफोन लीजिए। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, बाकी आखिरी फैसला आपका होगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहला स्मार्टफोन पोको F4 GT सीरीज। ये सीरीज के अंदर दो स्मार्टफोन होंगे, पोको F4 GT और दूसरा स्मार्टफोन होगा पोको F4 GT Pro। दोनों ही फोन में ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम होगी, सिर्फ प्रोसेसर को लेकर डिफरेंस होगा। सबसे पहले आप इस फोन की डिजाइन देख लीजिए जो दिखने में काफी ज्यादा एट्रेक्टिव है, खास करके ये फोन जो लोग हार्डकोर गेमिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए इस फोन को डिजाइन किया गया है। पीछे की तरफ ग्लास की कंस्ट्रक्शन दी गई है और सेंटर में मेटल की फ्रेम। जनरली पोको की जो F सीरीज होती है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है। ये स्मार्टफोन में आपको 6.61 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर होगा जो कि Qualcomm की ओर से 2022 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, और जो बेस वेरिएंट होगा वहां पर आपको MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दो वेरिएंट्स के साथ ये फोन लॉन्च होगा, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा, 64MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP का डेप्थ सेंसर। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 20MP का, 4700mAh की बैटरी होगी एंड 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग। प्राइस पॉइंट की बात करें तो इस फोन की प्राइस 30,000 से ऊपर होगी। स्पेशली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और गेमिंग के लिए कोई भी फोन लेना है तो आप इस फोन के लिए वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। अभी रिसेंटली सैमसंग गैलेक्सी M33 5G लॉन्च हुआ लेकिन एमोलेड डिस्प्ले ना होने की वजह से काफी सारे लोग निराश हुए, लेकिन इस फोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी विच इज अ क्वाइट गुड। इस फोन के जो फीचर्स निकल के आए हैं वो अच्छे हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है प्राइस पॉइंट पर। अगर सैमसंग इस फोन को एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर लॉन्च कर देता है तो मेरे अकॉर्डिंग काफी सारे लोग इस फोन को लेना पसंद करेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ, तो ये फोन की जो डिजाइन है वो काफी हद तक सैमसंग गैलेक्सी M33 से इंस्पायर होगी। रियर साइड पर प्लास्टिक का बैक ऑफर किया गया है और क्वाड कैमरास की प्लेसमेंट की गई है। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो काफी सारे लोगों की डिमांड होती है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, तो इस फोन में आपको 6.67 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगर आपके लिए एक स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो सैमसंग जितनी अच्छी डिस्प्ले इस टेक इंडस्ट्री में कोई नहीं देता। डिस्प्ले के मामले में सैमसंग बॉस माना जाता है। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो इस फोन में MediaTek Dimensity 900 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये प्रोसेसर ऑलरेडी हम काफी सारे स्मार्टफोन में देख चुके हैं, परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। 6GB रैम, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज ऐसे दो वेरिएंट होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 12 पर होगा और One UI 4.1 का यूजर इंटरफेस। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर क्वाड कैमरास का सेटअप, 108MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का मैक्रो लेंस। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 32MP का। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो इस फोन में 5000mAh की बैटरी होगी और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीक्स के अकॉर्डिंग बॉक्स के अंदर आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, 2000 का चार्जर अलग से बाय करना होगा। ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सैमसंग को बॉक्स के अंदर चार्जर देना ही चाहिए। इस फोन में आपको मोस्ट प्रोबेबली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ये फोन आएगा। डेडिकेटेड माइक्रो
एसडी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 30,000 से नीचे होगी। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और कंपटीशन को देखते हुए सैमसंग को इस फोन को किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme GT2। ये स्मार्टफोन Realme GT2 Pro का लाइटर वेरिएंट है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 40,000 के आसपास होगी, जहां पर 6.62 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस एंड फ्रंट साइड पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी देखने को मिल जाएगी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, 12GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज ऐसे दो वेरिएंट होंगे। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा, 50MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP का मैक्रो लेंस। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 16MP का। 5000mAh की बड़ी बैटरी होगी इस फोन में, और इस फोन में 65W की फास्ट चार्जिंग ऑफर की गई है। ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, तो ये सारी चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। इन शॉर्ट, एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में जिन चीजों की जरूरत होती है वो सारी चीजें इस फोन में ऑफर की गई है। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Vivo T1 Pro 5G एंड iQOO Z6 Pro 5G। लीक्स के अकॉर्डिंग ये दोनों ही स्मार्टफोन फीचर वाइज ऑलमोस्ट सेम होंगे, प्राइस और नेम के अंदर डिफरेंस होगा। 25,000 के प्राइस रेंज में ये दोनों ही स्मार्टफोन लॉन्च होंगे। दोनों ही फोन में आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और ये डिस्प्ले के अंदर आपको वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिलेगी। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर, 4500mAh की बैटरी एंड 66W की फास्ट चार्जिंग। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा, 64MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP का मैक्रो लेंस, और इसी के साथ सेल्फी कैमरा 16MP का। अगर आपका बजट 25,000 के आसपास है और आप कोई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों स्मार्टफोन के लिए वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है OnePlus 10R। ये स्मार्टफोन OnePlus 9R का सक्सेसर होगा जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था। 28 अप्रैल को OnePlus 10R के साथ एक और स्मार्टफोन लॉन्च होगा जिसकी प्राइस 20,000 से नीचे होगी। इस फोन का नाम है OnePlus Nord CE2 Lite। ये फोन का भी टीजर पेज OnePlus और Amazon पर लिस्ट हो चुका है, जो आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं OnePlus 10R के साथ। OnePlus 10R से लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। ये फोन किस फोन का रिब्रांडेड वर्जन है? तो अभी रिसेंटली चाइना में Realme GT Neo 3 लॉन्च हुआ, बस इसी फोन का ये रिब्रांडेड वर्जन है। चीजें बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं। Realme GT Neo 3 में से कुछ चीजें निकाली और उसका इंप्रूव वर्जन क्रिएट किया और बन गया आपका और हमारा OnePlus 10R। सबसे पहले आप इस फोन की जो डिजाइन है उसका प्रोटोटाइप देख लीजिए। यहाँ पर आपको रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा। अब ये जो कैमरा का लेआउट है वो काफी हद तक Realme GT Neo 3 से इंस्पायर है। यहाँ पर OnePlus को अपनी डिजाइन क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन Realme की डिजाइन को यहाँ पर फॉलो किया गया है। फर्क बस इतना है, LED फ्लैश लाइट की जो प्लेसमेंट है उसे चेंज किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है, इस फोन में एलर्ट स्लाइडर नहीं होगा, जो OnePlus की शान मानी जाती है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये OnePlus 10 सीरीज का पहला ऐसा फोन होगा जहां पर आपको एलर्ट स्लाइडर देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो OnePlus ने इस फोन में फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले ऑफर की है। 6.7 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट की OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इसी के साथ आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा और फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन होगी। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। काफी प्रीमियम डिस्प्ले है, कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग खेलने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर आपको इस फोन से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो ये इस फोन का सबसे हाईलाइट फीचर है। यहाँ पर आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, MediaTek Dimensity 8100। ये प्रोसेसर MediaTek की ओर से 2022 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। 5 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, मतलब काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है।
Qualcomm Snapdragon 888 जितनी परफॉर्मेंस आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस फोन में UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप, LPDDR5 RAM, आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 12 पर होगा और Oxygen OS 12 का यूजर इंटरफेस। ये फोन मोस्ट प्रोबेबली दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा। सबसे पहला वेरिएंट 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज, और जो सबसे हायर वेरिएंट होगा 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन में आपको फ्लैगशिप लेवल के कैमरास ऑफर किए गए हैं। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 50MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर विथ OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन, और इसी के साथ सोनी IMX766 सेंसर के साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP का मैक्रो लेंस। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 16MP का। इस फोन के रियर कैमरा से आप 4K 60fps पर मैक्सिमम वीडियो को शूट कर सकते हैं। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो इस फोन में 4500mAh की बैटरी ऑफर की गई है, जो कि थोड़ी सी कम है। एटलीस्ट 5000mAh की बैटरी ऑफर करनी थी, लेकिन चार्जिंग स्पीड को लेकर आपको इस फोन से कोई भी निराशा नहीं होगी। यहां पर आपको 150W की फास्ट चार्जिंग ऑफर की गई है। बॉक्स के अंदर ही आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा, अलग से चार्जर परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये फोन 0-50% सिर्फ 5 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगा, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं इस फोन की चार्जिंग स्पीड कैसी होगी। इसी के साथ ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ब्लूटूथ 5.2, तो ये सारी चीजें आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपका बजट 35,000 के आसपास है और आप एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें डिस्प्ले, डिजाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, ये सभी डिपार्टमेंट में फोन अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन का वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्मार्टफोन है नथिंग फोन 1। ये स्मार्टफोन के लिए मेजोरिटी ऑफ द पीपल बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। फाइनली इस फोन का टीजर पेज फ्लिपकार्ट पर लैंड हो चुका है, जो आप देख सकते हैं। लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट होगा। इसी के साथ इस फोन में Qualcomm Snapdragon 7th Gen 1 प्रोसेसर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज नथिंग के इस फोन में आपको कन्फर्म 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलते रहेंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा। अभी तक इस फोन को लेकर ये कुछ चीजें सामने आई हैं। जैसे ही मुझे कोई और अपडेट मिलती हैं तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। नेक्स्ट स्मार्टफोन है Realme GT Neo 3। ये स्मार्टफोन Realme GT Neo 2 का सक्सेसर है, जो 2021 में लॉन्च हुआ था। सबसे पहले आप इस फोन का फर्स्ट लुक देख लीजिए, जो दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और प्रीमियम है। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप ऑफर किया गया है। 8.2mm इस फोन की थिकनेस है और इस फोन का वेट 188 ग्राम। इस फोन का वेट काफी लाइट वेट है, यानी कि जो लोग लाइट वेट स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे अच्छे फीचर्स के साथ, तो ये फोन उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो Realme ने इस फोन में फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले ऑफर की है, 6.7 इंच की फुल HD प्लस 10 बिट की OLED डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट, इसी के साथ HDR 10 प्लस का सपोर्ट। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको इस फोन में ऑफर किया गया है। काफी प्रीमियम डिस्प्ले है, कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग खेलने में काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर आपको इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो ये इस फोन का सबसे हाईलाइट फीचर है। यहाँ पर आपको फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, MediaTek Dimensity 8100। ये प्रोसेसर MediaTek की ओर से 2022 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। 5nm FinFET टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, यानी कि काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। Qualcomm Snapdragon 888 जितनी परफॉर्मेंस आप इस फोन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस फोन में आपको UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप और LPDDR5 RAM। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 12 पर होगा और Realme UI 3.0 का यूजर इंटरफेस। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस का डिपार्टमेंट है वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो ये फोन दो वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा। सबसे पहला जो वेरिएंट है वहां पर 4500mAh की बैटरी ऑफर की गई है और 150W की फास्ट चार्जिंग। दूसरा जो वेरिएंट है वहां पर 5000mAh की बैटरी ऑफर की गई है और 80W की फास्ट चार्जिंग। अंडर 30,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पर ऐसा कोई भी फोन नहीं है जहां पर आपको 150W और 80W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिले, लेकिन Realme ने इस फोन में ऑफर की है, जो काफी सही चीज है।
कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन में फ्लैगशिप लेवल के कैमरास ऑफर किए गए हैं। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, सोनी IMX766 सेंसर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इस फोन में आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन भी इस फोन में ऑफर किया गया है। अगर आप वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो ये फीचर आपके लिए काफी ज्यादा मायने रहता है। जब हम फोटो या तो वीडियो शूट करते हैं तो उस टाइम पर हमारे हाथ थोड़े बहुत हिल जाते हैं, ये एक आम बात है, हर एक के साथ ये चीज होती है। लेकिन अगर आपके फोन में OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईजेशन का सपोर्ट हो तो काफी हद तक फोटो और वीडियो को आप स्टेबल तरीके से शूट कर सकते हैं। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपका बजट 25,000 के आसपास है और आप एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसमें डिस्प्ले, डिजाइन, परफॉर्मेंस, कैमरा, इसी के साथ बैटरी, ये सभी डिपार्टमेंट में फोन अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फोन का वेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और रियलमी को कॉम्पिटिशन को देखते हुए इस फोन को इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताइए, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक काफी ज्यादा मायने रहती है। तो ये है दोस्तों वो स्मार्टफोन जो आपको मई के मंथ में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जैसे ही मुझे कोई और नए स्मार्टफोन की अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर से इन्फॉर्म करूंगा। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आप कौन से स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।